हमारी स्कॉलरशिप का नाम शहीद आजम भगत सिंह पर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी मतलब मेरे ख्याल से शहीद आजम भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, और उनसे बड़ी शहादत हमारे उन्होंने जब उनकी शहादत हुई तो शायद उसके बाद ही चिंगारी भड़की और हम 1947 में आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए, और कहीं ना कहीं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण शहीद आजम भगत सिंह थे। तो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हम लोग एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनके पेरेंट्स ने सरहद पे जान दे दी या हमारे देश के लिए जान दे दी, शहादत हो गई उनके, वो शहीद हो गए, और अगर वो स्पेशली उनके पद चिन्हों पे चल के देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनके पास पैसों की कहीं प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम मुझे आप उस फैमिली का छोटा सदस्य समझ लीजिए और छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझना चाहते हैं उसके नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कर्ज है, आपके शहीद माँ बाप का कर्ज है हम पे, वो कर्ज चुकाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नाते मैं कर रहा हूँ, ये कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो कर्ज है जो चुकाना जरूरी है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप जाइए, और मैं चाहता हूँ कि आप ये उस हर एक बच्चे को शेयर करें जिसको वाकई में इसकी जरूरत है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशली जो अपने माँ बाप को देखते हुए उनकी शहादत होगी उसके बावजूद भी वो देश की रक्षा के लिए ना बॉर्डर पे खड़ा हो जाना चाहता है, आर्मी की तैयारी करना चाहता है, नेवी की तैयारी करना चाहता है, किसी भी तरीके से कुछ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जिससे उसको मदद मिले ताकि वो एग्जाम को क्रॉस कर सके, कुछ भी किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वो उस वे से हम लोग वो मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो आर्मी यू नो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे शहादत हुई है, खुदा ना करे ऐसा, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, और अगर वहाँ शहादत हुई है और उनके लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है, आपको क्या करना है, ये जो वीडियो अभी चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो अभी चल रहा है लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको ना ऊपर ही ऊपर शहीद भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है जिस स्टूडेंट को जरूरत है, और मैं आप ये बहुत बड़ी चीज अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, हर एक यू नो बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, याद रखिएगा देश है तो हम है, देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं, इसलिए देश की रक्षा करने वाला हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि, उसके लिए जितना कर सको उतना कम है, क्योंकि वो खड़ा है सरहद पे तो हम जिंदा है, खुली हवा में सांस ले पा रहे, नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। तो ये फॉर्म खुल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, बस इस फॉर्म को आपको फिल करना है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, सबसे पहले जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है आपको सिर्फ उस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उनको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर बताना है, मेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, अपने शहीद पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर ताकि हमारे टीममेट में से कोई भी आपको कॉन्टेक्ट कर सके, उसके बाद किस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं।